आधुनिक जमाने में साइबर अटैक के जरिए भी किसी देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। एक रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है कि पिछले दिनों ब्रिटेन के एक न्यूक्लियर साइट को हैक कर लिया गया था। बाद में जानकारी ये भी आई कि हैकिंग करने वाले चीन और रूस से जुड़े हुए थे। हैकिंग के दौरान अगर न्यूक्लियर साइट पर किसी भी तरह की गड़बड़ी होती तो यूरोप में बहुत बड़ी तबाही आ सकती थी। माना जा रहा है कि यह ब्रिटेन को चीन और रूस की तरफ से चेतावनी है। ना ऐसा कोई फाइटर जेट तोड़ता, ना आसमान से कोई बम गिरता, ना समंदर से मिसाइल हमला और ना ही रडार से कोई जानकारी मिलती, लेकिन फिर भी यूरोप में आती न्यूक्लियर तबाही। ऐसा विस्फोट, ऐसा रेडिएशन की लाखों लोगों की मौत हो जाती। ये सब मुमकिन था सिर्फ एक कंप्यूटर के कीबोर्ड से। यूरोप से बहुत दूर बैठे हैकर्स ब्रिटेन में तबाही की कोडिंग कर देते तो अनर्थ हो सकता था। ब्रिटेन हालांकि इनकार कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट में दावा है कि न्यूक्लियर साइट को रूस और चीन की एजेंसियों ने हैक किया था। इसलिए माना जा रहा है कि यह ब्रिटेन को पुतिन और जिनपिंग की चेतावनी है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को चैलेंजर टैंक के साथ स्टॉर्म शैडो मिसाइल दी थी। तभी से रूस और ब्रिटेन के बीच जबरदस्त तनाव है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर साइट को हैक किया गया। हैकर्स का रूस और चीन से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। कुम्ब्रिया के तट पर सेलाफील्ड को अचानक हैक कर लिया गया था। सेलाफील्ड में 140 टन का विशाल प्लूटोनियम का भंडार मौजूद है। यहाँ यूके के रिएक्टर से होने वाले रेडियोधर्मी कचरे को शुद्ध किया जाता है। सेलाफील्ड को पहले विंडस्केल के नाम से जाना जाता था। यहाँ से शुरू होने वाली तबाही कितनी बड़ी होती, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ 11,000 लोग काम करते हैं। परमाणु साइट 700 एकड़ में फैली है। साइट के आसपास 1300 इमारतें हैं। सेलाफील्ड का इस्तेमाल बरसों से परमाणु ऊर्जा उत्पादन और हथियार कार्यक्रमों से परमाणु कचरे को डंप करने के लिए किया जाता रहा है, जिससे ये प्लूटोनियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार बन गया है। साइट पर मौजूद रेडियोधर्मी कचरा आपदा से पहले चेर्नोबिल में मौजूद रेडियोधर्मी कचरे से कहीं अधिक है। जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ के कैसे तानाशाह थे, जिनके कार्यकाल में राजनीतिक दमन और हत्याओं का लंबा दौर चला। मकसद साफ था, अतीत और संभावित चुनौतियों को खत्म करना। जानते हैं स्टालिन के इस अभियान को ग्रेज पर्ज नाम दिया गया था। और अब स्टालिन के नक्शे कदम पर शी जिनपिंग चल रहे हैं। शी, जी हाँ, खबर सामने तो ये आ रही है कि अमेरिका से आई है, लेकिन इसका ताल्लुक चीन से है, प्रेसिडेंट जिनपिंग से है, उनके शुद्धिकरण अभियान से है। दरअसल चीन के पूर्व विदेश मंत्री की मौत का दावा किया गया। जानते हैं मौत की वजह क्या बताई गई है, सुसाइड या टॉर्चर, आखिर क्यों, देखिए। ड्रैगन कंट्री से एक और बड़े नेता की मौत की खबर सामने आई है, जो कुछ महीने पहले तक प्रेसिडेंट जिनपिंग के करीबी सलाहकार थे, जिनके जिम्मे चीनी विदेश मंत्रालय का कार्यभार था, जो एक हाई प्रोफाइल लव अफेयर में शामिल थे, जिन पर जासूसी का आरोप भी लगा और जिनपिंग सरकार से बर्खास्त भी किए गए। इस चेहरे को गौर से देख लीजिए, नाम है किन गैंग, जो चीन के पूर्व विदेश मंत्री थे मगर बीते 6 महीने से लापता थे। अब उन्हीं किन गैंग को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अमेरिकी मीडिया हाउस पॉलिटिको ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग की मौत हो चुकी है। बीजिंग के मिलिट्री अस्पताल में किन गैंग की मौत हुई। जुलाई 2023 में किन गैंग के मारे जाने की आशंका है। मौत की वजह सुसाइड या फिर टॉर्चर होने का भी दावा है। जून 2023 में चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग अचानक गायब हो गए। आखिरी बार किन गैंग को गोवा में हुई एससीओ की बैठक में देखा गया था, जब वह रूस, श्रीलंका और वियतनाम के अफसरों के साथ बैठक में शामिल हुए। इसके बाद किन गैंग किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में देखे नहीं गए। आपको बता दें कि जुलाई 2023 में ही किन गैंग को विदेश मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया। जानते हैं क्यों?
दरअसल पूर्व विदेश मंत्री किम गैंग पर जासूसी का संगीन आरोप लगा था। इसके अलावा यूएस को न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचने का भी आरोप था। किम का चीन की पॉपुलर टीवी एंकर से अफेयर की भी खबरें थी। अमेरिकी मीडिया हाउस पॉलिटिको ने चीन के दो अधिकारियों के हवाले से अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि लगातार विवादों में रहने और जासूसी जैसे आरोपों के चलते किम गैंग को विदेश मंत्री के पद से हटाया गया। लेकिन अब किम गैंग की रहस्यमयी मौत ने खलबली मचा दी है, क्योंकि किम गैंग काफी लंबे वक्त से जिनपिंग के साथ जुड़े थे, जिनपिंग के करीबी माने जाते थे। अमेरिकी राजदूत बनने के 17 महीने बाद ही जिनपिंग ने उन्हें प्रमोट करके दिसंबर 2022 में चीन का विदेश मंत्री बनाया। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये दावा करते हैं कि किम गैंग की अमेरिका से नजदीकी और चीन में बढ़ती लोकप्रियता जिनपिंग को अखरने लगी। इसी दौरान चीन की टीवी एंकर फू जियोतियान के साथ रिश्ते किम गैंग के लिए मुसीबत खड़ी करने लगे। लिहाजा ये आशंका जताई जा रही है कि किम गैंग को रास्ते से हटाने के लिए जिनपिंग ने खूनी साजिश का ब्लूप्रिंट बनाया।